हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो एज प्रॉमिस्ड, रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश यही करना कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको वीडियो के दौरान ही याद हो जाएं। अब इनको याद कैसे करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी वीडियो के दौरान ही। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साइट्सकॉप 19 ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है एक एनिमल के स्टेटस को डाउनग्रेड करने का प्रपोजल। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। साइट्सकॉप 19 ने हाल ही में एक्सेप्ट किया है प्रपोजल एक एनिमल के स्टेटस को डाउनग्रेड करने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो एनिमल का नाम क्या है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब आपने करना क्या है, वीडियो को करो पॉज। पॉज करने के बाद में मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बाद में वीडियो रिज्यूम करो और देखो कि मैं इसका आंसर क्या बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको क्विज खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वीडियो के दौरान ही, आई स्वेयर, वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। तो साइट्सकॉप 19 ने हाल ही में एक्सेप्ट किया है प्रपोजल एक एनिमल के स्टेटस को डाउनग्रेड करने का। उस एनिमल का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, साउदर्न वाइट राइनोस। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलो अब आंसर तो हमने सुन लिया, इसके कुछ डिटेल्स भी अब हम जान लेते हैं। तो जो ये वाइट राइनोस हैं, साउदर्न वाइट राइनोस, इनका स्टेटस डाउनग्रेड किया जाएगा फ्रॉम अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 2। कॉप 19 ने ये जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, ये प्रपोजल उन्हें दिया था बोट्सवाना और नमीबिया ने। आपको मैं बता दूँ, ये साउदर्न वाइट जो राइनोज हैं, ये साइज में बड़े होते हैं और इनके बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका कॉमन नेम है साउदर्न वाइट राइनोसेरोसिस। इनका साइंटिफिक नेम है सेराटोथीरियम सिमम सिमम। इनकी डाइट है हर्बीवोरस, यानी कि ये लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, पूरा वेज ही खाते हैं। इनका साइज होता है अप टू 12 फीट और इनका वेट होता है अप टू 7900 पाउंड्स। नाउ अगर ये डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको कभी फ्यूचर में इसको देखना हो तो आप आराम से इसको देख सकते हो, अगर डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ये जो मूवी है इसको मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये जो मूवी है ये कौन सी लैंग्वेज में बनी। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है ये मूवी कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पैनिश। अब इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें, तो 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने कंक्लूड किया कि इस मूवी को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। और आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के डायरेक्टर है वेलेंटिना मोरल और इनकी इस मूवी ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। आपको मैं बता दूं कि इसी अवार्ड सेरेमनी के दौरान वाहिद मोबासेरी को मिला नो एंड मूवी के लिए सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड, और डेनियला मारिन नेवेरो को मिला आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड। और ईरानियन राइटर और डायरेक्टर नादिर सीवर को यहाँ पे मिला है सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर नो एंड, यानी कि नो एंड मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आपको मैं बता दूं कि इस अवार्ड सेरेमनी के इस साल के स्पॉटलाइट में जो कंट्री रही वो है फ्रांस। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया ने हाल ही में पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स को एसेस करने के लिए एक कंट्री में, मतलब एक कौन सी कंट्री में अपनी एक टीम भेजी। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इंडिया ने कौन सी कंट्री में एसेस करने के लिए फॉर पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट्स अपनी एक टीम भेजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना। अब इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो टीम है इसमें है 3 जियोलॉजिस्ट। एक जियोलॉजिस्ट है फ्रॉम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेकेंड है फ्रॉम
खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड और थर्ड है फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं कि इंडिया के पास कोई भी लिथियम रिसोर्स नहीं है और जो मिनरल हैं वो भी हमें प्राइमरीली इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हूँ तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी सिटी के म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को मिला है यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सिटी के म्यूजियम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिला है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। चलो अब इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो म्यूजियम है जिसको ये अवार्ड मिला है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये 100 साल पुराना म्यूजियम है। ये जो अवार्ड इसको मिला है ये मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कॉन्जर्वेशन 2022। आपको मैं बता दूं कि ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना इनको शॉर्ट फॉर्म्स में ही नहीं सिर्फ और इसको लॉन्ग फॉर्म में भी याद रखा करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसी अवार्ड सेरेमनी के दौरान ही अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला था स्टेपवेल्स ऑफ गोलोकोंडा को जो कि हैदराबाद में है और अवार्ड ऑफ मेरिट मिला था डोमाकोंडा फोर्ट को जो कि तेलंगाना में है और बाइक्यूला स्टेशन को जो कि मुंबई में है। ये जो अवार्ड है ये अनाउंस किए गए थे ऑन 26 नवंबर 2022 ऑन सैटरडे। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी सिटी ने होस्ट किया 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सिटी ने होस्ट किया 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022? सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रसार भारती जो कि इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उन्होंने इस असेंबली को होस्ट किया। ये जो असेंबली है इसका नाम है 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई कब, नवंबर 25 से स्टार्ट हुई और ये चलेगी कब तक, नवंबर 30th, यानी कि आज यानी कि कल तक ये ख़त्म हो चुकी है। इसकी थीम है इस साल की, इस असेंबली की इस साल की थीम है सर्विंग द पीपल मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हूँ तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। माउना लोआ जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये यूएस के कौन से स्टेट में है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। माउना लोआ जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये यूएस के कौन से स्टेट में है? सो द राइट आंसर इज, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको भूलना नहीं। तो इसका राइट आंसर है हवाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स जाने तो ये प्लैनेट की मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। इसका जो इरप्शन है ये स्टार्ट हुआ था 1983 में और 2018 तक ये चला। इसने एक रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस इरप्शन एवर का। आपको मैं बता दूं कि हवाई के 6 वॉल्केनोज में से एक ये है माउना लोआ। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया की फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन इनमें से कौन सी कंपनी ने डेवलप की? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन इनमें से कौन सी कंपनी ने डेवलप की? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भारत बायोटेक। नाउ इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो वैक्सीन है इसका नाम है इनकोवैक और इस कंपनी ने इसको बनाने का, इसको डेवलप करने का जो अप्रूवल लिया था वो लिया था फ्रॉम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CDSCO।
इसका इन्होंने जब अप्रूवल लिया था, ये लिया था अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़, और ये जो वैक्सीन है ये 18 या उससे ऊपर के एज के लोगों को लग सकती है इन इंडिया। आपको मैं बता दूँ, ये जो नेज़ल वैक्सीन है इसको यूज़ किया गया है अगेंस्ट जो अभी कोविड 19 की वैक्सीन्स चल रही है उसके अगेंस्ट एज बूस्टर डोज इनको यूज़ किया गया है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हूँ तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा? आई रिपीट द क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी ने श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। चलो इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। इसने इंडिया में पहला लॉन्च पैड जो है अपना लॉन्च किया है, उसको सेटअप किया है, इसको सेटअप किया गया है श्रीहरिकोटा में बाय अ प्राइवेट प्लेयर जो कि इसको ऑपरेट करेगा। आपको मैं बता दूँ, ये जो फैसिलिटी है इसका इनॉग्रेशन किया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने। अग्निकुल का पहला ये जो लॉन्च है ये होगा कंट्रोल्ड एंड गाइडेड मिशन। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हूँ तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया की गवर्नमेंट ने विनय मोहन क्वात्रा का टेन्योर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है ये जो विनय मोहन क्वात्रा है ये कौन सी पोजिशन पर है। आई रिपीट द क्वेश्चन, इंडिया की गवर्नमेंट ने विनय मोहन क्वात्रा का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये कौन सी पोजीशन पर हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन पर ये हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। चलो इनके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स जान लें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने को था 31 दिसंबर 2022 को, यानी कि इसी साल अगले महीने ये ख़त्म होने पर था, यानी कि इसी महीने सॉरी दिसंबर स्टार्ट हो गया है तो आज के दिन मतलब 31 दिसंबर को ये ख़त्म होने पर था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है April 30, 2024 तक। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है ये 2024 के लास्ट तक ऑफिस में रहेंगे, और मैं आपको बता दूँ कि 2024 के लास्ट तक जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका भी टर्न ओवर हो जाएगा। नाउ अगर आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई हो तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम क्या है? आई रिपीट द क्वेश्चन, 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम क्या है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये जो समिट है ये November 29 से स्टार्ट होकर के 1 दिसंबर 2022 यानी कि आज तक चलेगा। कहाँ पर चलेगा? ये न्यू दिल्ली में। इस समिट की थीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो समिट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 50 पैनल से 100 से भी ज़्यादा स्पीकर्स। नाउ अगर आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। अगर ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों, इन्फॉर्मेटिव लगे हों, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊँगी। सो नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।